मैं बाहर आ गया, सर भी थोड़े दिन बाहर आ जाएंगे, जब भी कोई तानाशाही करेगा तो संविधान उसको बचाएगा। जब भी कोई क्राइसिस होता है तो और एकजुटता से और मेहनत से और एक परिवार की तरह से जुटते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी में कोई डिमोटिवेशन था, बल्कि गुस्सा था। अरे जो सबसे क्रूशियल संकट के समय पे भी दिल्ली की जनता के लिए सबसे ज़्यादा काम करती रही। डिमोटिवेशन आ गया था एक तरह से, उसको कितना चार्ज है? नहीं नहीं, डिमोटिवेशन नहीं है। लोग जब भी कोई क्राइसिस होता है तो और एकजुटता से और मेहनत से और एक परिवार की तरह से जुटते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी में कोई डिमोटिवेशन था, बल्कि गुस्सा था और संकल्प था कि हम इस संकट के समय में तो किसी में भी कहीं भी कोई टूट फूट नहीं हुई, कहीं भी कोई इधर उधर नहीं हुआ, तो ये बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की ऐसी सरकार है जो सबसे क्रूशियल संकट के समय पे भी दिल्ली की जनता के लिए सबसे ज़्यादा काम करती रही। देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है, कोई भी संकट आता है हिल जाते हैं, कोई जनता के काम धाम सब किनारे हो जाते हैं, लेकिन जनता के काम संकट के इस समय में भी होते रहे। आम आदमी पार्टी की लीडरशिप अपने सबसे क्रूशियल दौर से गुजरी, अब वो निकल रही है धीरे धीरे। मैं बाहर आ गया, सर भी थोड़े दिन बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस सबसे क्रूशियल दौर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के लीडर्स ने, देश के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने ज़बरदस्त एकजुटता दिखाई है और यही एकजुटता हमारी ताकत है। सर, सुप्रीम कोर्ट में आपने बताया उम्मीद है? नहीं, सुप्रीम, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की तो हमें पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से तो मुझे भी न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान के हिसाब से काम करता है और देश के संविधान ने ऐसी स्थितियों के लिए व्यवस्था की हुई है कि जब भी कोई तानाशाही करेगा तो संविधान उसको बचाएगा। आज भी मैं अब गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अपने आदेश में कहा है कि मैं हर एक मंडे को और हर एक थर्सडे को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में ईडी और सीबीआई के दफ्तर में जाके उनके सामने अपना प्रेजेंट करके आऊँगा। तो मैं आज सुबह सीबीआई के दफ्तर गया पहले, उसके बाद मैं ईडी के ऑफिस गया, दोनों के आईओज के सामने मैं मिल के आया हूँ।